नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां आज आप देखने वाले हैं माया में टेक्सचर लेयर कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाने के बाद यहां पे आपको रेंडरिंग एडिटर्स के अंदर पे हाइपरशेड मिलेगा। हाइपरशेड पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए, जो मैंने ये प्लेन लिया है, इस पे हम लोग टेक्सचर लेयर यूज करेंगे। तो टेक्सचर लेयर यूज करने के लिए सबसे पहले एक शेडर क्रिएट करते हैं। शेडर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए, माया पे क्लिक कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे से आप माया पे देखिए, ब्लिन का ऑप्शन है, आप ब्लिन चूज कीजिए। ब्लिन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका एक ब्लिन शेडर क्रिएट हो जाएगा। हम ब्लिन 1 का नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको हम लोग ग्राउंड नेम दे देते हैं। ये हमारा मेन शेडर होगा। और उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी लेयर टेक्सचर की। लेयर टेक्सचर के लिए आप जो फर्स्ट माया लिखा हुआ है, उसके नीचे एक माया और है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए लेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेयर टेक्सचर आपको मिलेगा, उसके ऊपर लेयर शेडर आपको चूज करना है। लेयर टेक्सचर, लेयर टेक्सचर पे आप क्लिक कीजिए। जैसे लेयर टेक्सचर क्लिक करेंगे, आपको ये नोड बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि फर्स्ट जो आपका ग्राउंड शेडर, जो हम लोग का मेन शेडर है, इसके ऊपर यहाँ पे कलर पे हम लोग जो लेयर टेक्सचर है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे से मिडिल माउस क्लिक कीजिए और ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड के लिए टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे मेन शेडर के ऊपर और यहाँ पे से असाइन मटेरियल टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन, इस पे आप छोड़ दीजिए। तो आपका ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, आप दो शेडर क्रिएट कीजिए, क्योंकि एक ग्रास का होगा और एक सॉइल का होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो ब्लिन और लेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मेन शेडर है, यहाँ पे देखिए स्पेकुलर का कलर काफी ज्यादा है और ग्राउंड में उतना ज्यादा स्पेकुलर नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो रिफ्लेक्टिविटी है, इसको हम लोग कर देंगे 0, उसी तरह स्पेकुलर कलर को भी 0। तो अभी ये एकदम बिल्कुल फ्लैट कलर है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट दो शेडर क्रिएट करेंगे, जो कि आपका माया का ब्लिन ही हम लोग लेते हैं। यहाँ पे से इसको हटा दीजिए और ब्लिन ले लेते हैं। ब्लिन लेने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको भी रीनेम कर देते हैं। एक को हम लोग ग्रास नेम दे देते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी कीजिए, ये आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। और ग्रास 1 को हम लोग सॉइल कर देते हैं। नाम चेंज करने के बाद इस पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी दो टेक्सचर की। तो मैं यहाँ पे दो टेक्सचर इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए हम लोग अपने डायरेक्टरी पे जाते हैं और यहाँ से मैं दो टेक्सचर यूज़ कर लेता हूँ, एक ग्रास का और एक ग्राउंड का। और इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं माया के अंदर और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक आपका ग्रास का है और एक दूसरा जो है ये सॉइल का है। यहाँ पे मेरे पास यही इमेज है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा ये देखिए आपका ग्रास का है। अभी आपको क्या करना है, जो ग्रास का शेडर हम लोग ब्लिन शेडर बनाया था, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखिए कलर पे हम लोग ग्रास का जो टेक्सचर था वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके लिए सेम मिडिल माउस एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे भी आप देखिए, इसका स्पेकुलर काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग सेम यहाँ पे स्पेकुलर और रिफ्लेक्टिविटी, सबसे पहले रिफ्लेक्टिविटी 0 कर देते हैं और स्पेकुलर कलर 0। तो अगर यहाँ पे आपका टेक्सचर ऑन होगा, तो ये अभी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तो पहले हम लोग ये नोड क्रिएट कर लेते हैं, सेम यहाँ पे भी सॉइल के अंदर पे, जो आपका सॉइल का टेक्सचर है वो हम लोग कलर के अंदर पे इनपुट करते हैं। और सेम यहाँ पे इसका भी रिफ्लेक्टिविटी और स्पेकुलर कलर हम लोग कम कर देंगे। अब आपको क्या करना है, जो लेयर टेक्सचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर टेक्सचर पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको लेयर टेक्सचर एट्रीब्यूट्स मिलेगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक क्रिएट रहता है, जिसके अंदर एक सिंपल कलर ऐड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो होगा उस पर हम लोग जो ग्रास का हम लोग ब्लिन शेडर बनाया है, इसको कलर के अंदर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप ये जो आपका टेक्सचर है, ये डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शेडर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको बाद में कोई भी एक्स्ट्रा मैप जैसे स्पेकुलर का या बम्प का ऐड करना है, तो आप यहाँ पे शेडर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो टेक्स्चर के अंदर सिर्फ आपको अल्फा मिलेगा, बाकी चीज़ें नहीं है। तो आप अगर शेडर यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम लोग वापस चलते हैं लेयर टेक्स्चर के अंदर पे।
ये तो अभी हमारा एक ही लेयर है, तो हमें नेक्स्ट लेयर क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे जो आपका लेफ्ट क्लिक है वो क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपका नया लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब इस लेयर के अंदर पे हम लोग सॉइल का, यहाँ पे देखिए इसको क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे जो आपका डिफॉल्ट कलर है इसके अंदर सॉइल का जो शेडर है हम लोग उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रास दिखाई दे रहा है, सॉइल नहीं। उसकी वजह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ग्रास का, इसलिए आपको ग्रास विजिबल है, जबकि ओवरले होने की वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस मैप के अंदर, जो ग्रास मैप के अंदर, अगर अल्फा में कोई टेक्सचर ऐड करते हैं तो आपको सॉइल उसके थ्रू इजिली दिखाई देगा, क्योंकि जो सॉइल है आपका नन है। तो ये हमारा लास्ट लेयर है, तो टॉप में जो होगा उसके ऊपर हम लोग जो अल्फा है उस पर आप खुद से भी मैप क्रिएट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रैक्टल नॉइस यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपल ये जो चेकर बॉक्स है इस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे से ये देखिए फ्रैक्टल पे आप क्लिक करें। जैसे आप फ्रैक्टल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अल्फा के अंदर होगा। इसको हम लोग एक बार पूरा मैप कर लेते हैं, तो मेन शेडर को आप सेलेक्ट कीजिए और जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो शेडर नेटवर्क है वो मैप हो जाएगा, और ताकि आप इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉइल का ऊपर है और यहाँ पे आपका ग्रास का, और उस पर जो हम लोग अल्फा यूज किए हैं वो फ्रैक्टल जो नॉइस है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तभी देखिए जो पहले आपने देखा था वो सिंपल था, आपको ऊपर का सिर्फ ग्रास दिखाई दे रहा था, अभी साथ में आपको सॉइल भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप टेक्सचर नोड यूज करके दो या तीन इस या फिर उससे भी ज़्यादा आप जितना भी वेरिएशन चाहें इस लेयर के अंदर, जो आपका टेक्सचर लेयर है इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए आप सिंपल बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मैं यहाँ पे आपको इसका और भी एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो हमने अभी सिर्फ दो टेक्सचर यूज़ किया है इसको हम किस तरह से और अच्छा और इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने ब्लिंड मोड नहीं देखा है, तो फर्स्ट यहाँ पर आप देखिए जैसे हम लोगों ने इस पे लिया था फर्स्ट ग्रास के अंदर पे, आप यहाँ देख सकते हैं जो ब्लिंड मोड है यहाँ पर हम लोग का ओवर है, मतलब ओवरले है। तो हम लोग अगर इसको किसी दूसरे में भी चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लाइटन लेता हूँ, तो आपने देखा था कि सॉइल पे कुछ क्रैक्स हैं, तो उसके अंदर आपको ये ग्रासेस दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे लाइटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये चेंज हो गया, आप यहाँ पे भी प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका सॉइल के जो इस पोर्शंस पे आपको ग्रास दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, जो अपना फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल नॉइस, इस पे हम लोग थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है आपका, मैं इसको प्लेन ले लेता हूँ, थ्रेशोल्ड हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे से जो आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो है इसको इंक्रीज करते हैं, और दूसरा हम लोग एक चीज़ और करते हैं, जो हमारा टेक्सचर है ग्रास का इसका टाइल हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए जो टेक्सचर के साथ 2D प्लेसमेंट नोड है इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए आपका रिपीट क्यूब है, इसको हम लोग 3:3 कर लेते हैं, तो ये काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी भी आप देखें तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। वेरिएशन के लिए हम लोग अगेन फ्रैक्टल पे जाते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो आप इस तरह से टेक्सचर लेयर का यूज करके कोई भी मैप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको और अगर टेक्सचर ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पे आप वापस क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया लेयर क्रिएट हो जाए। नया लेयर क्रिएट करने के बाद इसको मिडिल माउस और ड्रैग कीजिए इन दोनों के बीच में, तो आपका एक तीसरा लेयर क्रिएट हो गया। तो अभी देखिए ग्रास के ऊपर आपका ग्रीन है, इसलिए ग्रीन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम जो टेक्सचर नोड है ग्रास का वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे ग्रास दिखेगा। और यहाँ पे इस बार हम लोग जो हमने नया क्रिएट किया था इसके अंदर पे अल्फा पे हम लोग वापस क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे नॉइस ये चूज़ करेंगे। नॉइस चूज करने के बाद आप वापस लेयर टेक्सचर पे जाइए और यहाँ पे से इसको हम लोग जो लाइटन है इसको हम लोग कर देते हैं ओवर। तो ये देखिए आपको डार्क ग्रीन और उसका इफेक्ट दिख रहा है उसी तरह यहाँ पे चाहें तो जो आपका है। एक बार वापस इसको मैप कर लेते हैं तो हमने एक्सीडेंटली यहाँ पे फर्स्ट वाले पे किया है तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइटन लिया था, सेकंड वाले को हम लोग को नन की जगह पे ओवर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रैक्टल नॉइस फर्स्ट वाले में था, दूसरे वाले पे नॉइस हमने ऐड किया तो आपको कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट दिखेगा। तो आप इस तरह से लेयर टेक्सचर का यूज़ करके बहुत अच्छा टेक्सचर बना सकते हैं। हम लोग यही चीज़ नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि किस तरह से जो हम लोगों ने ये टेक्सचर मैप क्रिएट किया है इसको टेक्सचर मैप पे बेक करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।